हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। एंड एक बार फिर से राम राम सारा ने, मैं राम राम करना भूल गई स्टार्टिंग में, तो मैंने अब कर दिया। तो मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी, 2 से 3 दिन से अभी। तो मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी इसलिए क्योंकि मैं घर पर नहीं थी। तो मैंने कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, वो इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, मैं अपने मायके गई हुई थी। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि, और मैं वहाँ पर जाकर वीडियो बना सकती थी, ब्लॉगिंग कर सकती थी क्योंकि, लेकिन मैं, मेरा चैनल ब्लॉगिंग चैनल नहीं है, तो मैंने इसलिए नहीं जरूरी समझा कि मैं वहाँ जाकर वीडियो बनाऊँ। क्योंकि मेरा जाना होता है एक साल में एक बार, या मुश्किल से कभी कुछ हो जाता है तो 2 बार, अदरवाइज एक बार जाना होता है मेरा साल भर में। तो मैं चाहती हूँ वो टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूँ, उसमें फ़ोन और ब्लॉगिंग वगैरह ना यूज़ करूँ, क्योंकि मैं अपना फ़ोन मैंने उठा के भी नहीं देखा। तो मैं फ़ोन मैंने यूज ही नहीं किया 2-3 दिन, क्योंकि मैं एक्चुअली 2 दिन के लिए गई थी मैं, तो अपना जो फ़ोन है वो मैं घर पर ही छोड़ गई थी, क्योंकि परी जो थी वो घर पर थी, वो पहले रह के आ गई थी अपनी नानी के पास 10 दिन। तो मैं अपना फ़ोन परी को ही दे के चली गई थी, और क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोन हैं और परी के पापा जी चले जाते हैं, तो परी घर पे अकेली रह जाती थी, तो इसलिए मैं अपना फ़ोन परी को देकर ही गई थी घर पर। तो इससे मैंने कोई ब्लॉगिंग करने को, तो मम्मी के फ़ोन से ब्लॉगिंग कर सकती थी मैं यहाँ पर, उसको फिर व्हाट्सअप करके आपके साथ वीडियो शेयर कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया। और अभी भी कुछ लोगों का ना मुझे लेकर, मैंने मतलब बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनानी छोड़ दी है क्योंकि मेरा चैनल है रिएक्शन चैनल, तो मैं रिएक्शन देती हूँ और देती रहूँगी, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ लोगों पर रिएक्शन देना छोड़ दिया था क्योंकि रिएक्शन का मतलब होता है एक लिमिट तक किसी का सच सामने लाना। अब सबका सब सामने आ गया है तो अब उसे हम रबड़ की तरह खींचते रहें तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। वैसे भी मेरा जो ज़्यादातर मोटिव होता है वो होता है लोगों की हेल्पिंग के लिए वीडियो बनाना, जो सच में लोग जिनको सच में ज़रूरत है हेल्प की, तो मैं हमेशा उनके लिए वीडियो बनाना ज़रा ज़्यादा पर वो करती हूँ कि मैं ऐसे लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ जो सच में, जिसको सच में ही मतलब यूट्यूब से अर्निंग की ज़रूरत हो और सच में ही उसको यूट्यूब चैनल उसका आगे बढ़ना हो। अब लोग बोलेंगे कि यार तुम्हारे तो 8 लाख सब्सक्राइबर हैं तो तुम्हारे से किसी का चैनल क्या होगा। तो मैं उसको बोलना चाहूँगी कि चाहे मेरे 8,000 सब्सक्राइबर हैं चाहे मेरे 2,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जब मैं अगर किसी के लिए बोलती हूँ या किसी के लिए हेल्पिंग वीडियो बनाती हूँ, अगर उसमें 200 लोग भी जुड़ते हैं उनके साथ, तो उन 200 लोग, वो 200 लोग जो जुड़े वो आगे शेयर करेंगे, तो उसके साथ वो 300 जुड़ेंगे, वो आगे करेंगे 400, ऐसे जुड़ जुड़ के बहुत लंबी जर्नी बन जाती है उन लोगों की। क्योंकि ऐसे लोगों की वीडियो हमें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और हम कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो। तो मेरा मकसद रहता है लोगों की हेल्प करना, तो मैं उसी हेल्पिंग के पर्पज से वीडियो बनाती हूँ। लेकिन अभी कुछ लोग हैं कि मतलब मैंने वीडियो बनाने छोड़ दिया, करीब 15 से 20 दिन हो गया, लेकिन अभी भी मुझ पर टोट कसते रहते हैं। मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने सुनने में आया है कि मेरे ऊपर टोट कसते, क्योंकि मैं एक बार जिससे मेरा कनेक्शन हट जाता है तो फिर मैं उसकी तरफ कभी देखती भी नहीं हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने जो उसका, मेरे पास अभी बहुत सारे लोगों ने बताया कि अभी भी आपका नाम लिया जाता है, अभी भी आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, तो मैं उनको सिर्फ एक बोला जाऊंगी कि बातें उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। अगर लोग हमें अभी याद कर रहे हैं, अभी भी हमारी बातें कर रहे हैं, तो ज़रूर हम में ऐसी कोई बात होगी कि लोग हमें अभी भी नहीं भूल पा रहे, और भूलना भी नहीं चाहिए। तो कुछ मैंने सुना था कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपके बारे में कि ये करेंगे वो करेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो देखो जो हो रहा है सो हो रहा है, जो कुछ है मैं जैसी हूँ आप लोगों के सामने वैसे ही रियल हूँ, मैं कोई बनावटी नहीं हूँ, ना ही बनावटी बनना चाहती हूँ, और जो कुछ होगा हमेशा मैं उस चीज़ के लिए रेडी रहती हूँ। क्योंकि मैं जिस चीज़ पे भी वीडियो बनाती हूँ ना, पूरा सटीक होकर बनाती हूँ, बहुत सोच समझ के बनाती हूँ कि इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, और इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा कभी भी जो होता है ना वो कभी डगमगाता नहीं है कि आज मैं इधर हूँ कल को उधर हूँ, नहीं, जो मेरा स्टैंड होता है वो सिर्फ एक तरफ होता है। लोगों ने बहुत सारे इशू बनाए, मतलब कि ये बोला कि कोई ने क्या क्या बोला यार, ये इसकी आईडी है, ये है फला है,
ये यूपी से है, ये अब तक मतलब लोगों को ये नहीं पता चला, मैं इतने दिन हो गए मुझे यूट्यूब पे, 1.5 साल हो गया है, लोगों को ये नहीं पता कि मैं अभी तक कि मैं यूपी से हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ। अभी भी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, कुछ बोलते हैं कि मैं हरियाणा से हूँ, कुछ बोलते हैं कि मैं यूपी से हूँ। तो अभी लोगों को यही नहीं पता कि मैं हरियाणा से हूँ कि मैं यूपी से हूँ। तो जब उनको यही नहीं पता अब तक मेरे बारे में, तो मेरे बारे में क्या जानेंगे, ठीक है। और मैं अपनी वीडियो में बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ मैं कहाँ से हूँ, 1000 बार बता चुकी हूँ, लेकिन लोगों को भी कन्फ्यूजन है, तो उनको कन्फ्यूजन रहने दो, वो उसी में ही उनको खुश रहने दो कि मैं कहाँ से हूँ। वैसे हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ आकर फिर भी शांति है, लेकिन जब मैं मायके गई थी तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। क्योंकि गांव में खुले में शांति है, फिर भी मौसम साफ़ सुथरा है, लेकिन शहर में तो ज़्यादा गर्मी हो रही है। वहाँ पर एसी कूलर चलते रहते हैं, अंदर तो अच्छा रहता है पर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो कुछ लोगों को जवाब शायद मिल गया होगा कि क्योंकि मैं लड़ाई झगड़े वाला जवाब नहीं देना चाहती अब, क्योंकि जब मैं उस पर आऊँगी ना तो फिर लोग अपने आप सही हो जाते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उस लेवल तक आने की ज़रूरत है। और जिसको जो सोचना है वो सोचे, जिसको जो बोलना है वो बोले। अगर मैं एक टॉपिक को बंद कर चुकी हूँ तो कर चुकी हूँ, ठीक है। अब चाहे कोई कितना ही उकसाने की कोशिश करे, कितना ही बार बार सोचे कि हम इसको छेड़े, ये फिर हम पे वीडियो बनाए, हम इसका नाम लेते रहे, ये फिर हम पे वीडियो बनाए, तो वो भूल जाए, सपने ही देखे इस चीज़ के, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। जो मैं करती हूँ वो करती हूँ। और जो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने कल की वीडियो भी देखी किसी की, तो बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि यार ये तो वीडियो बनाते हैं दूसरों के ऊपर, वीडियो बनाते हैं दूसरों की वजह से इनका चैनल चलता है। तो मैं बोल रही थी कि मैंने देखा था कहीं पर, बोल रहे थे लोग कि ये दूसरों के ऊपर वीडियो बनाते हैं, इनका चैनल जो है वो दूसरों की वजह से चलता है। तो मैं समझ में नहीं आता कि इनके ऊपर ये बोल दो, इनके ऊपर ये कर दो, मैं समझ में नहीं आता कि रिएक्शन तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भी दिए जाते हैं, उनके भी कार्टून वाली पिक्चर बनाई जाती है, उनके पता नहीं क्या क्या किया जाता है। तो क्या मोदी जी आकर पूरे यूट्यूब को ही बंद कर दें? मोदी जी तो बहुत कुछ कर सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों नहीं कहते उनको कि मेरी ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हो, मेरे ऊपर ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि तो हमारे देश के पीएम हैं। लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ के बारे में बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि रिएक्शन चैनल क्या होते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उन लोगों के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर उन लोगों को बात करनी चाहिए, ठीक है। मुझे फिर भी एक ब्लॉगर बताती हूँ, मैं ताराउल के ऊपर, ताराउल के ऊपर रिएक्शन देती हूँ, देती थी और अभी दे देती हूँ कभी कभी, है ना। तो जब तारा को बोला जाता था कि ये जो एक यूट्यूबर है जो आपके ऊपर रिएक्शन देती है, आपके ऊपर वीडियो बनाती रहती है, तो तारा का पता क्या जवाब आया था? तारा ने बोला कि हमारा काम है डेली ब्लॉगर, तो हम डेली ब्लॉगिंग करते हैं, और उनका चैनल है रिएक्शन चैनल, तो उनका काम यही होता है कि लोगों की जो डेली ब्लॉगिंग होती है, या किसी भी सदस्य के ऊपर, या किसी भी सेलिब्रिटी के ऊपर, आई मीन किसी भी इन्फ्लुएंसर के ऊपर वो रिएक्शन देते हैं, उनका काम रिएक्शन देना ही है। तो उनकी हम उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, क्योंकि हम कि वो रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनका काम रिएक्शन देना है, तो वो किसी भी टॉपिक पर रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और रिएक्शन देने से ना, जिसके ऊपर भी हम लोग रिएक्शन देते हैं ना, वो बंदा पीछे नहीं हटता है, वो बंदा हमारे थ्रू ऊपर चढ़ता है, आगे चढ़ता है, ठीक है। क्योंकि हम रिएक्शन देंगे तो लोग हमारी वीडियो पर आएंगे, जब हम जिसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, लोग उसके चैनल पर भी जाकर देखेंगे कि ऐसा ऐसा क्या है, कि इसने ऐसे बोला, तो लोग उसके साथ भी कनेक्ट होते हैं और हमारे साथ भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन देने से ना लोग ऊपर जाते हैं, ना कि नीचे आते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, जिनको पता है कि रिएक्शन चैनल क्या होते हैं, वो कभी भी इन लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं कि ये लोग हमारी वीडियो क्यों बनाते हैं। जहाँ तक कि एल्विस यादव जो है ना, एल्विस यादव आज के टाइम पे सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, लेकिन उनकी स्टार्टिंग जो थी ना, वो रिएक्शन चैनल से ही होती, उनका रिएक्शन चैनल ही था। तो अब जिस लोगों को पता नहीं है कि रिएक्शन चैनल क्या होता है, वो सिर्फ यही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यार ये तो हमारी वजह से ऊपर बढ़ रहा है, यार इसने तो इसके तो उससे और कुछ काम नहीं है, ये लोगों की वीडियो उठा उठा के डाल देते हैं, इनको यही काम है लोगों के ऊपर वीडियो बनाना। तो जी हाँ, रिएक्शन चैनल वालों का यही काम होता है, दूसरों की ऊपर वीडियो पर रिएक्शन देना। अब अगर ये कैटेगरी यूट्यूब के अंदर नहीं होती ना, यूट्यूब के रूल्स के अगेंस्ट होती, तो यूट्यूब ही इन चैनलों को ना चलाता, और इन चैनलों की तो पेमेंट आती, और ना ही ये चैनल आगे जाते, और यूट्यूब इस चैनल को पहले से ही डिलीट कर देता, ठीक है। अब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि तुम्हें कौन हक देता है कि दूसरों के ऊपर वीडियो बनाओ, तो हमें जो, और कि तुम
उत्तराखंड के लोगों को वीडियो बनाओ, कि तुम यूपी के लोगों को बनाओ, क्या तुम हरियाणा के लोगों को बनाओ। तो भाई ये हक ना आप लोग नहीं देते हो, ये हक यूट्यूब वाले देते हैं, कि यूट्यूब वाले बोलते हैं कि आप किसी को ऊपर कहीं भी किसी टॉपिक पर वीडियो बना सकते हो। तो इसके लिए हमें आप लोगों की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी इस चीज़ की परमिशन यूट्यूब देता है। तो मैं आप लोगों की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो रिएक्शन देते हैं ना वो उसी प्लेटफॉर्म पर देते हैं जिस प्लेटफॉर्म की आप वीडियो डालते हो। जब आप कोई वीडियो डाल रहे हो ना सोशल मीडिया पर, तो वो आपकी प्राइवेट या पर्सनल वीडियो नहीं है, वो एक यूट्यूब पर डाली हुई, सोशल मीडिया पर डाली हुई वीडियो है जो पूरे वर्ल्ड में घूमती है। तो उसके ऊपर वो आपको पर्सनल और निजी मैटर नहीं दे जाता है सोशल मीडिया पर आने के बाद। उसके ऊपर कोई भी किसी भी चीज़ पर रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक यूट्यूब जो सोशल मीडिया मतलब जो यूट्यूब वाले हैं, उन्होंने परमिशन दी हुई है अपने रिएक्शन चैनल वालों को कि वो किसी भी चैनल पर किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं। अब वो लोग बोलते हैं कि एक चैनल पर बस एक बार रिएक्शन दे जाता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत से रिएक्शन चैनल होते हैं, पॉडकास्ट चैनल होते हैं, हेल्पिंग चैनल होते हैं। तो पॉडकास्ट चैनल वाले आप देखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बस वो एक या दो बंदों है, जैसे अरमान मलिक हो गया या और कोई हो गए, लाइफ ऑफ प्रीति हो गई, इनके ऊपर ही रिएक्शन देती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो यही दोनों चैनल के रिएक्शन उनके चैनल पर पसंद करती है। तो वो ज़रूरी नहीं कि हर किसी पर अलग अलग रिएक्शन चैनल दे। अगर इन लोगों की नॉलेज में नहीं है ये सब कुछ की रिएक्शन देना या एक चैनल पर देना है, या फिर हम अलग अलग पर दे सकते हैं, या फिर हमें एक पे देना है परमानेंट, तो अगर किन लोगों को नहीं पता तो वो बोलते क्यों है इस बारे में? पहले अच्छे से जाँच पड़ताल कर ले, उसके बाद बोल ले। बाकी रही कल की मेरी जो वीडियो आएगी, वो एक ऐसी फैमिली के ऊपर आएगी जो कैंसर सर्वाइव हैं। एक अरुण नाम के भैया हैं, उनकी वाइफ है प्रियंका, जिनको कैंसर है, जिसकी वजह से प्रियंका के 3 बार इनका घुटने का ऑपरेशन हो चुका है, उनके घुटने में कैंसर है, और फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है ससुराल की तरफ से। फैमिली से अरुण भैया रिश्ता तोड़ चुके हैं, उनके 2 बच्चे हैं जो कि नोएडा में रहते हैं, एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, और उनका बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो चुका है कैंसर पेशेंट में, आप समझ सकते हैं कितना खर्चा हुआ है। उसके बावजूद भी उन भैया कहना है कि उनकी YouTube से जो भी पेमेंट आएगी उसकी आधी जो सैलरी होगी वो कैंसर पीड़ितों के नाम होगी, उनको ही वो देंगे और उनके ही इलाज में वो पैसे लगाएंगे कैंसर पीड़ितों के, जो भी उनकी YouTube से पेमेंट आएगी। तो हमें ऐसी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए जो फैमिली सच में यूट्यूब की पेमेंट को मायने रखती हो। एक ऐसा हस्बैंड जो उनकी वाइफ के सारे बाल उड़ चुके हैं, 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, उसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी को टूटने नहीं देते हैं, अपनी पत्नी के लिए हमेशा खड़े हैं, अपने दोनों बच्चों का और अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। कोई हेल्पर नहीं है घर पर, घर का सारा काम, पत्नी का सारा काम, बच्चों का सारा काम अकेला आदमी करता है। तो कल की मेरी वीडियो आएगी उन लोगों के ऊपर। मेरा हमेशा मकसद यही रहता है ऐसे लोगों पर वीडियो बनाना जो लोग सच में ही, जिनके लिए YouTube सच में ही ज़रूरी है। तो कल बात करेंगे अरुण और प्रियंका पर, इनकी कहानी के साथ, और उम्मीद करूंगी कि आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे।